नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर 22। पूर्व में हुई चमन नूरी की हत्या के कातिलों को फांसी देने की परिवार ने प्रशासन से लगाई गुहार। चमन नूरी की हत्या का 4 से 5 महीना गुजर जाने के बाद भी नहीं मिल रहा है न्याय। बताते चले कि मामला 22 थाना क्षेत्र के हाथीबंदा गांव का है, जहां 4 महीने पूर्व एकलौती परिवार की बेटी चमन नूरी को प्यार का झांसा देकर कुमारवा गांव के विवाहित एक युवक मोहम्मद इकबाल अपने 5 अन्य परिवार के साथ मिलकर तेलता थाना क्षेत्र के बालूगंज गांव में ले जाकर फांसी के रूप में हत्या कर दी थी, जिसको लेकर उनके भाई और परिवार लगातार तेलता पुलिस से लेकर पूर्णिया एसपी तक के न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रही है। जिस पर उनकी मां ने तंग होकर कही कि यदि मेरी बेटी के कातिल को फांसी की सजा नहीं दी जा रही है तो मैं भी फांसी लेकर मर जाऊंगी, जिसका जिम्मेदार प्रशासन और बिहार सरकार होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले इस बिहार सरकार की ये नारा लगातार विफल होते नजर आ रही है, और आए दिन बेटियों को प्यार के झांसा देकर दहेज के लालची लोग बलात्कारी दरिंदे लगातार मौत के घाट उतार कर खुले आम घूम रहे हैं, लेकिन अपराध को प्रशासन का खौफ नहीं है। आखिर कब तक बिहार में बेटियां अपनी जानें गंवाती रहेगी। वहीं इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों भी पुलिस प्रशासन के प्रति नाराज होते हुए सुस्ती होने की बात कही और अपराधी को फांसी देने की मांग कर रही है। के साथ क्या घटना हुई थी और अभी तक क्या मांग कर रहे हैं आप? मोर बेटी चोरी करने गेल, मोर बेटी चोरी करने की करना कर ले की करना मारे फेंका दिले। हम ही चाहिए मोर बेटी बदला भाको फांसी होना चाहिए, जैसे फांसी दिया वैसे फांसी नहीं तो अगर नहीं अगर दीदी इंसाफ दिवे मुख सरकार नहीं दिवे यदि फांसी तो हम वहां संगे संगे हम फांसी क्या जामी मांगे चांगे चिमनी बाजारे मांगना हमी बेटी लेनू चमन नूरी। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? कितना दिन पहले आपकी बेटी की हत्या कर दी गई? 4 महीना। अच्छा, कहाँ का लड़का था ये? कुम्हरवाल लड़का थी जी। हाँ। तो क्या आपकी बेटी को यहाँ से जो लेके गया था कैसे लेके गया था? वो चोरी करे रात करे उठाने चले गए। कहाँ रखा था? प्यार का मामला था। कहाँ उसको रखा था लिया के आपका बेटी को? बालू गई। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हमें कुछ नहीं मांगे, हमें साफ सीधा जैसे मोर बेटे फांसी लटके जाए वैसे हम फांसी लटका चाहे नहीं, अगर वहां लटकावे तो हम ही फांसी लटके जाए, चाहे अब सरकार खौक रहो हम ही मगर हम फांसी लटके जाओ क्योंकि मोर छक क्या मोर नाबालक छक ने मोर इससे मोर कह दिले। अच्छा, कितना लोग मिलकर के हत्या किया था? छह जन। उनमें से कितना आदमी को गिरफ्तार हुआ? तीन जन गिरफ्तार हुई है, एक औरत दी महाराज। चाहेंगे लगातार जो ऐसे मौतें हो रही है सरकार की गलती है, प्रशासन की गलती है, प्रशासन कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है इतना दिन से। ऐसे में आप कितना अपने आप को सुरक्षित देख पा रहे हैं, अपनी बहन को अपनी बेटी को? सुरक्षित नहीं है, कहाँ से सुरक्षित है? यहाँ तो दावे के साथ सरकार कह रही है कि हम अपने राज्य को मजबूत कर लिए हैं। सरकार की बात है लेकिन आप महिला से पूछिए कितना वो सुरक्षित है, सुरक्षित होने पर ऐसा हो सकता है कभी? अपने क्षेत्र की महिला, आपकी जो बहनें हैं, आपकी जो बेटियां, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्यार के झांसे में आकर इस तरह की गलतियां कर बैठती है? ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए किसी भी लड़की। क्या नाम है आपका? सोनी है। देश के नागरिक होने के नाते पहले मैं समस्त भारत वंशियों को मैं उसके कोटि कोटि सत्सद नमन करना चाहता हूँ कि आजकल का जो माहौल है मैं ये देखने को मिलता है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी माताएँ जो अपने स्कूल कॉलेज जीवन काल में जाते हैं, अपने दैनिक जीवन में अपनी पाठशाला जो जाते हैं, इसमें यह देखने को मिलता है कि लड़की अपने झांसे में फंसा के उसे लेकर जाते हैं या 2 साल 4 साल रखने के बाद उसे अपने इस्तेमाल के बाद उसे एक खिलौना समझ लेते हैं, जैसे कहीं मारा जाता है, किसी को जान से मार दिया जाता है, किसी को काट दिया जाता है, तरह तरह से यातनाएँ दे के हमारी महिलाओं को प्रताड़ित करती है जिसके कारण वो मौत का शिकार होता है। मगर जो यह सब काम करते हैं जो लड़के वो आम खुले आम घूमते हैं, इसमें प्रशासन की कोई कमान नहीं होती है। आखिर प्रशासन ऐसा क्यों निष्फल अपनी क्षेत्र में होते हुए चला जाते हैं, क्या वो मिली भगत है? मैं ग्रामीण के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो एक योजना चलाई थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके तहत हमने ये देखा कि बच्चियाँ काफ़ी बिहार की बच्चियाँ शिक्षित हुई, अब इसके दौरान जो बिहार की जो बच्चियाँ हैं जो अब कहीं ना कहीं किसी घटना का शिकार हो रहा है, इसके लिए जो है बिहार सरकार बाध्य है। मैं यही कहना चाहूँगा अपनी बिहार सरकार से कि अपनी प्रशासन को इतना टाइट करे कि दोबारा ऐसा कार्य कोई ना हो, जैसे हमारे इलाके में चमन नूरी की एक ऐसी हत्या हुई जिसका हत्यारा घूम रहा है, जिसकी ना कोई सुनवाई हो रही है, आवेदन पे आवेदन दिया जा रहा है जिसकी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, इनमें से अब उस
से देखा जाए कि हमारे जो पीछे अतीत और हमारे जो आने वाला भविष्य है, यह काफ़ी सन्नाटापन आ जाएगा सबके जीवन काल में, जो अपनी बच्चियों को कोई पढ़ाना नहीं चाहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन की, अगर उस जगह अगर कहीं आपका परिवार से कोई होता तो आपको कैसा दर्द होता। मैं एक बिहार का युवा होने के नाते, इस देश का युवा होने के नाते मैं संदेश देना चाहता हूँ सबको कि आप एक ऐसा अभियान चलाएं जो हमारी मातृशक्ति को किसी प्रकार का हनन ना हो। और इससे मैं कुछ नहीं आगे कहना चाहूँगा कि प्रशासन को इसमें पूरी और कड़ी निगरानी रखना चाहिए और चमन नूरी के जो कातिल हैं उसको पूरी तरह से सजा मिलना चाहिए। हमारे मेरा नाम सुदामा कुमार यादव है, मैं 22 विधानसभा से हूँ। उसको तो फांसी होना चाहिए, जैसे भी हो फांसी होना चाहिए ताकि मेरे बेटी भतीजी सब सुरक्षित रहे, अच्छे रहे। आज किया फिर कल किया फिर आज, हाँ, कल, आज ना कर सकते। आज हमारे साथ हुआ, कल फिर और किसी के साथ भी हो सकता है, इसके लिए फांसी होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए ताकि सुधर जाए। प्रशासन की तरफ से क्या न्याय मिला, क्या आपको मिला है इंसाफ के तौर पर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि लोग अभी जो अभी बताया वही मेरा भी कहना है, लेकिन एक बात और है मेरी कि अगर ऐसा चलता रहा तो जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो क्राइम की तरफ और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्रशासन इस पर निर्णय नहीं लेगी, अगर क्राइम करने वालों को सजाएं नहीं सुनाएंगे, तो इससे जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो और भी क्राइम की तरफ आगे होते जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा ना कि जब हमारे जो बड़े हैं उनको सजा नहीं हुआ तो हमें भी नहीं होगी। बिल्कुल, ठीक है, इस वजह से क्राइम बढ़ते जाएंगे। देखिए अभी तक 3 से 4 महीना हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं, ठीक है, प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले रही है, ठीक है, आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं। और यहीं पर अगर हमारा ये कहना है कि यहीं पर कोई अगर आज हमारे देश में ये हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये योजना है, ये सिर्फ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए नहीं है। क्यों? कि अगर यही मामला आज किसी अमीर के साथ होता तो अब तक सजा मिल चुकी होती, क्योंकि सिर्फ पैसे के जोर पर आजकल सजाएं दी जाती है। अगर पैसे के जोर पर सजाएं नहीं दी जाती है तो आज तक जो हमारी बहन के साथ हुआ है उनको इंसाफ मिल जानी चाहिए थी, अभी तक इंसाफ नहीं मिली है। इतनी सारी आवेदन देने के बाद रूप में आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ के रूप में ये चाहते हैं कि उनको चाहे तो उम्र कैद हो या फिर फांसी हो, अगर उनको सजा नहीं सुनाई जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये आएगा कि हमारी एक बहन थी तो उनके क्या कहता है कि उनके मौत की वजह से हम कहीं ये ना हो जाएं कि हमको कानून अपने हाथ में लेने के मतलब क्या कहता है कि मजबूर हो जाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसार। क्या नाम था अपना बहन का? मेरी बहन का नाम था चमन नूरी। जगह कौन सा? हाथीबंदा। ताकि वो डरे और भी लोग डरे, ताकि ऐसा गलती ना करे। क्या नाम था नतनी का आपका? चमन नूरी।